गुड इवनिंग, जय हिंद एवरीवन, दिस इज विकास तिवारी। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, फटाफट मुझे कमेंट करके बताया। आज मैं इस चैनल पर पहली बार आपके सामने आ रहा हूँ, ठीक है। और आपके सामने जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ वो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों के बारे में है, ठीक है। आप स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको जो बताना चाहूंगा बेटे, वो ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं वो मेरा फोटोग्राफ है, ठीक है। मैं खुद इंडियन एयरफोर्स में 18.5 ईयर्स सर्विस कर चुका हूं, ठीक है। और मैं सरफेस टू एयर मिसाइल पे काम करता था। मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पे सिलेक्टेड भी रह चुका हूं। कुछ और इंफॉर्मेशन जो हमारे चैनल से रिलेटेड है, यदि आप डिफेंस में इंटरेस्टेड है, यदि आपका एम एनडीए है, सीडीएस है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो आपको इस चैनल पे आना चाहिए, और आके सब्सक्राइब करना चाहिए। यहाँ पे डेली एग्जाम होते हैं, डेली आपका क्लास होता है सारे, उसके लिए अपने दोस्तों को भी बताएं, खुद भी आए। मैं खुद सवेरे 10 to 11 में एयरफोर्स के लिए, उसके बाद 5 से 6 में एनडीए के लिए, उसके बाद 7 बजे डीआरडीओ के लिए, और उसके बाद 8 बजे सीडीएस के लिए क्लास लेता हूँ। आप जरूर आए। लाइव टेस्ट चैनल हमारा एक दूसरा चैनल है बेटा, लाइव टेस्ट, जिसपे हम लाइव टेस्ट लेते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपका क्लास होता है। यहाँ पे मैं डेली 1 बजे अलग अलग एग्जाम्स के लिए, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या डीआरडीओ हो, इनके लिए लाइव टेस्ट लेके आता हूं। तो आप लोग सारे उस चैनल पे जरूर आए। और लास्ट स्लाइड जो है इस कैटेगरी में, वो आपकी अन अकेडमी में 9th से 12th तक के क्लास होते हैं। जिन बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर हम आते हैं बेटा। आप जो देख पा रहे हैं ये है परमवीर चक्र। भारत में युद्ध के दौरान वीरता के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो यही है, ठीक है। क्या है? परमवीर चक्र। कब दिया जाता है? जब युद्ध के क्षेत्र में अदम्य साहस का काम किया जाए बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, तो हम उसे परमवीर चक्र से नवाजते हैं। इससे बड़ा भारत में डिफेंस के लिए कोई पुरस्कार नहीं है। और ये जो भारत के वीर की आप फोटो देख रहे हैं, यही है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों, इनके पिता तरलोक सिंह भारतीय वायुसेना में ही मास्टर वारंट ऑफिसर के तौर पर कार्यरत थे। ये बचपन से ही इनकी तमन्ना थी कि भारतीय वायुसेना को पायलट के तौर पर ज्वाइन करें। इनका जन्म 17 जुलाई 1945 में हुआ था, हालांकि कई जगह 43 देखा मिलता है। ये मैं एयरफोर्स के हिसाब से आपको बता रहा हूं कब हुआ था बेटे, 1945 में। और इन्होंने जो आप देख पा रहे हैं इनके बारे में, 17 जुलाई 1945 को इनका जन्म हुआ और इन्होंने भारतीय वायुसेना को एज ए पायलट ज्वाइन किया, एज ए पायलट 1967 में। बहुत दिनों की बात है, हो सकता है आपके पेरेंट्स का भी जन्म ना हुआ हो, लेकिन याद रखना वीरता की कहानियां सब लोगों को पसंद है। आप जो भी सुनते हैं उससे मोटिवेट होते हैं, ठीक है। ध्यान देना, ये वो वीर था जो पंजाब में पैदा हुआ और जिसके दिल में और दिमाग में दोनों में भारतीय वायुसेना का जुनून था, ठीक है। और ये जो है जब पोस्टेड हो जाते हैं, लगभग 4 महीने की इनकी पोस्टिंग होती है, 4 महीने होते हैं इनकी शादी को, सॉरी, और उसके बाद की बात है। ये बात है समवेयर 1971 की, 1971 का टाइम था, जो पूर्वी बांग्लादेश है, जो बेटे पूर्वी बांग्लादेश है वहां की बात है। वहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, भारत ने बांग्लादेश बनाने के लिए सपोर्ट किया और वहां पे जो मुक्ति वाहिनी थी उनको हमने सपोर्ट किया। पाकिस्तान इससे बुरी तरीके से खिसिया गया और पाकिस्तान ने क्या, आप जो देख पा रहे हैं बेटे, ये आप जैसे ही यंग मैन की तस्वीर है, ये कोई और नहीं है, निर्मलजीत सिंह शेखों है। ये कोई और नहीं है, कौन है? निर्मलजीत सिंह शेखों है जो बोटिंग कर रहे हैं। ये पिक्चर बहुत पुरानी है बेटे, इसलिए बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जुनून देखने को बनता है, ओके। ये पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छे खिलाड़ी भी थे और बहुत ज्यादा मेहनती थे, लीडरशिप की क्वालिटी इनमें पहले से थी। और ये उनका वास्तविक फोटो आपको दिख रहा है, ये जो बैज दिख रहा है बेटे, ये फ्लाइंग ऑफिसर के लिए ये फ्लाइंग का बैज होता है, ठीक है। और दिस इज द थिंग जिसके लिए भारतीय वायुसेना में लोग तड़पते हैं, वो चाहते हैं कि वो एक पायलट बने। फाइटर पायलट बनना किसी के लिए गर्व की बात होती है, क्योंकि 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार
ये तो मैं उस समय की बात कर रहा हूं, यदि हम आज की बात करें तो भारतीय वायुसेना के प्लेन 2000 से 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, ठीक है। यदि आपके अंदर भी वो जज्बा है तो मैंने बोला हमारे वाईफाई डिफेंस एग्जाम चैनल पे आइए और अपने लिए तैयारी करिए, आप भी फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं, आप में भी वो जज्बा है डेफिनेटली, तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं 14 दिसंबर 1971 की, जब निर्मलजीत सिंह शेखों पोस्टेड थे बेटा, ये आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर, यहां पे श्रीनगर है और श्रीनगर के पास में ही एक दूसरा बेस है जिसका नाम है अवंतीपुरा। बेस का नाम क्या है? अवंतीपुरा। 14 दिसंबर की रात, 14 दिसंबर का दिन था बेटे, सर्दियां थी। 14 दिसंबर वैसे भी आपको पता है दिसंबर का महीना है, कड़क सर्दियां थी और इस बीच में अवंतीपुरा पे जो मेन पोस्ट पे लोग थे उन्होंने जहाज की गड़गड़ाहट सुनी। लगभग 6 सैबरे जेट, कितने बेटे? 6 सैबरे जेट, जिनका एक ही उद्देश्य था कि जाके श्रीनगर के बेस को तबाह करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा था। हमने ईस्टर्न सेक्टर पे जो मुक्ति वाहिनी के लोग थे उनको सपोर्ट किया था, उनकी पनडुब्बी को हमने कराची के पास डुबा दिया था। अब उनके पास एक ही चारा रह गया था कि वो पाकिस्तान से यहाँ पे आए। लगभग इसके पास में ही इनका लाहौर बेस है, लाहौर बेस से 6 सैबरे जेट उड़ते हैं और वो सीधे अवंतीपुरा के ऊपर से उड़ रहे होते हैं। अवंतीपुरा से, ध्यान देना, अवंतीपुरा से, मैं खुद वहां पे अवंतीपुरा में टीडी पे गया हुआ हूं, तो अवंतीपुरा से जो श्रीनगर है वो लगभग 30 किलोमीटर, ठीक है। जैसे ही अवंतीपुरा पे पता लगता है तो पाकिस्तानी जहाजों को रिकॉग्नाइज किया, कुछ दिख नहीं रहा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, याद रहे सर्दियों के दिन थे और क्या रहा होगा, कोहरा टाइप रहा होगा, विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से भी कम थी। बावजूद उसके भारतीय वायुसेना के जवानों ने इस बात को महसूस कर लिया कि यह पाकिस्तानी प्लेन है और उन्होंने तुरंत श्रीनगर को इन्फॉर्म किया और 2 से 2.5 मिनट, याद रखना, इन्फॉर्म किया। ये आप जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान के सैबरे जेट है, ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सैबरे जेट है, आपको बहुत सारे जेट एक साथ दिखाई दे रहे होंगे और ये फ्यूल भरने वाले इंजन है। यहाँ पे बेटा बम लगाए जाते हैं और इसके अलावा फ्यूल फिल करने के लिए भी यहाँ पे अलग से एक्स्ट्रा टैंक लगा होता है, ओके। और 2 से 3 मिनट के भीतर ये लोग कहाँ थे, ये पाकिस्तान से, सॉरी, हमारे अवंतीपुरा से श्रीनगर बेस के ऊपर थे। आप जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं ये वो प्लेन है जिसका नाम है जीनेट, ठीक है, अजीत भारतीय नाम है इसी प्लेन का। क्या नाम है? अजीत। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, मैं कब की बात कर रहा हूं, 1971 की। हमारे पास कोई ऐसे रडार नहीं थे जो एक्चुअल में ये बता सके कि भारतीय सीमा में जो प्लेन आए हैं वो कितने हैं, लेकिन आवाज से और बेसिक देखने से इन्होंने आइडिया लगा लिया था कि हाँ सैबरे हैं, लेकिन ये पता नहीं था संख्या कितनी है। और एक टर्म होता है बेटे ओआरपी, कौन सा टर्म होता है? ओआरपी। ओआरपी का मतलब होता है ऑपरेशनल रेडीनेस, ठीक है। ओआरपी पे आप ये देख पा रहे हैं पुराने फोटोग्राफ हैं बिल्कुल उसी समय के, 2 मिनट के टाइम में एक टर्म आता है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि बाहरी आक्रमण है, तुम तुरंत तैयार हो। 2 पायलट ऑलरेडी ओआरपी पे अवेलेबल थे, जो 2 पायलट ऑलरेडी अवेलेबल थे वो थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट हुमन, जो फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह शेखों से सीनियर थे, और साथ में दूसरे ऑफिसर थे पायलट, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों। वो जमाना था जब भर्ती पायलट ऑफिसर के तौर पे होती थी, आजकल फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे होती है। निर्मलजीत सिंह शेखों, बहुत एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन जोश और जज्बा बहुत था। आप देख पा रहे हैं पायलट दौड़ के आ रहे हैं, जैसे ही स्क्रैम्बल होता है पायलट दौड़ के आते हैं और ये आपका जीनेट प्लेन है जिसमें आके पायलट बैठ जाते हैं और एक जो प्लेन है वो आराम से टेक ऑफ कर जाता है रनवे से। लेकिन इस बीच में जो पाकिस्तानी प्लेन थे वो ऑलरेडी कहां थे बेटा? वो श्रीनगर बेस के ऊपर थे और उनका एक ही टारगेट था, वो था श्रीनगर का रनवे। पहला काम क्या था? श्रीनगर के रनवे को तहस नहस कर देना। फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुमन पहले व्यक्ति थे जो फ्लाई कर जाते हैं। सबसे पहले कौन उड़ता है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुमन। जोश होता है बेटा, सबको मालूम है कि हम फौज में हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं,
तो दो ही बातें होंगी, या तो हम मार के आएंगे या मर के आएंगे। लेकिन ये वो मौत है बेटा जिसके लिए हम निर्मलजीत सिंह सेखों को याद कर रहे हैं, वरना इस दुनिया में बहुत शहीद हो जाते हैं, किसको कौन याद करता है। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुमन ऊपर उड़ जाते हैं। उस समय तक रनवे बहुत बढ़िया नहीं थे, रनवे पे बहुत ज्यादा मिट्टी होती थी, अचानक धूल का गुबार उठता है। नंबर दो पे किसको उड़ना था, अब बारी थी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की। निर्मलजीत सिंह सेखों की बारी थी, वो उड़ते हैं। लेकिन जब वो उड़ने वाले हैं बेटा, उसी समय दो पाकिस्तानी प्लेन रनवे को बम्बार्ड कर देते हैं, लेकिन वो उड़ चुके थे। अब ये रनवे है बेटा, ये हमारा हवाई जहाज है, ये उड़ रहा है, और इधर ये बॉम्ब गिरा चुके हैं, लेकिन हमारा प्लेन सीधा ऊपर उड़ता है। निर्मलजीत सिंह सेखों को एक बात का फायदा मिलता है, जैसे ही वो ऊपर उठते हैं उनके लाइन ऑफ साइट में दो पाकिस्तानी सैबरे जेट आ जाते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये जो इंडियन नेट जी नेट प्लेन है, आप ये जो साइन देख रहे हैं वो इंडियन एयरफोर्स का साइन है। दो हवाई जहाज आगे थे। अच्छा, वो जमाना इतना मॉडर्न नहीं था, रॉकेट नहीं थे, ठीक है, प्लेन में रॉकेट नहीं लगते थे। क्या लगती थी, गन लगती थी, बड़ी बड़ी गोलियों वाली मशीन गन लगती थी, और वो मशीन गन एक मिनट में 200 से 500 गोलियां फायर करती थी। ठीक है, तो रॉकेट का जमाना नहीं था, गन का जमाना था। इन्होंने अपना एम लिया और सामने उड़ रहे दो सैबरे में से, ये कौन है, सैबरे एयरक्राफ्ट है भारतीय पाकिस्तानी सेना के, और ये हमारे निर्मलजीत सिंह सेखों वाला हवाई जहाज है। इन्होंने फायर किया और एक गोली सैबरे में डायरेक्ट लगती है, और सैबरे एक और दिक्कत हो जाती है इसी बीच में, क्योंकि निर्मलजीत सेखों के जो विंगमैन थे, निर्मलजीत सिंह सेखों के विंगमैन कौन थे, मिस्टर घुमन। निर्मलजीत सिंह सेखों के विंगमैन कौन थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुमन। फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुमन पहले ही उड़ चुके थे और मिस्टर निर्मलजीत सिंह सेखों से उनका कॉन्टेक्ट टूट जाता है। अब दोनों हवा में है, आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन इस बीच में एक और बात पता चलती है कि बहुत बड़ा मुकाबला था, जिधर निर्मलजीत सिंह एक थे, पाकिस्तानी सैबरे कितने थे, सैबरे जेट बेटा 6 थे, एक का 6 से लड़ाई। लेकिन ये वीर कोई और नहीं था, भारतीय वायुसेना का अमर जवान, भारतीय वायुसेना के लिए एक नई मिसाल कायम करने वाले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों थे। वो उड़े, उन्होंने एक को ऑलरेडी आप जैसे देख पा रहे हैं गोली मार दी, आग लग जाती है, और दूसरे वाले को फिर से हिट करते हैं। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी, 1 से 6 का मुकाबला था, और मुश्किल ये हो गया कि तुरंत पीछे से दो और हवाई जहाज आ जाते हैं। जैसे ही निर्मलजीत सिंह ने एक को शॉट किया, पीछे से दो और हवाई जहाज आ जाते हैं, जिन्होंने निशाना किसका लिया, निर्मलजीत सिंह सेखों के ऊपर निशाना लिया। निर्मलजीत सिंह को जो ATC कंट्रोलर थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे, उन्होंने वापस आने के लिए बोला था, पर उन्होंने बोला नहीं, मैं यदि गया हूं तो सारे पाकिस्तानी प्लेन्स को नीचे गिरा के आऊंगा। आप जानते हैं हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था, और हमारे यहाँ वीरता की कहानी कोई यूं नहीं है कि नहीं है, ये वो जोश था जो जानता था कि मुझे क्या करना है, या तो मैं पाकिस्तानियों को फोड़ के आऊंगा या शहीद होके आऊंगा। ठीक है, इस बीच एक प्लेन गिर चुका होता है, दूसरा प्लेन को जब गोली लगती है तो पाकिस्तान की तरफ भाग लेता है, लेकिन निर्मलजीत सिंह सेखों के प्लेन के पीछे बेटा दो हवाई जहाज और थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोली मार दी और एक गोली उनके बैली में लगती है। लेकिन निर्मलजीत सिंह सेखों जिस एरिया में थे, उन्होंने हाइट लूज करना शुरू किया, जो प्लेन है बेटा नीचे की तरफ आना शुरू होता है, और जब बहुत तेजी से नीचे आता है, ये जो दिख रहा है ये कॉकपिट है बेटा, यहां से इजेक्ट होते हैं वो, लेकिन इजेक्शन, जब इजेक्ट होते हैं मतलब बाहर निकलना, जब वो इजेक्ट होते हैं तो हाइट बहुत कम थी, और इसलिए उनका प्लेन और स्वयं दोनों के ही बॉडी के पार्ट्स नहीं मिले। उन्होंने एक अदम्य साहस का परिचय दिया जो समझ से परे है। पहली बात तो आपने रेडीनेस देखी, 2 मिनट के भीतर वो दौड़ के कहां पहुंच जाते हैं, हवाई जहाज में, हवाई जहाज स्टार्ट हो जाता है, उन्हें मालूम है कि दुश्मन के प्लेन ऊपर है, उसके बाद भी वो हवा में उड़ जाते हैं। और बात केवल उड़ने की नहीं है, जब आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन है, और उसके बाद भी हिम्मत करके दुश्मन को मार गिराना, एक आदमी
छह से मुकाबला कर रहा है और दो को गिरा भी देता है। लेकिन यदि विंगमैन होते या फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुमन भी इनके साथ बातचीत हो रही होती तो मैं श्योर हूं ये छह के छह बच के नहीं जाने वाले थे। बाकी प्लेन वापस निकल जाते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों से संपर्क नहीं हो पाता है, लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तानी प्लेन शूट कर दिया था उसके हिस्से आप देख पा रहे हैं, उसके टुकड़े टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने वीरता का परिचय देते हुए खुद के लिए शहीद का दर्जा पाया और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह के बराबरी आज तक इंडियन एयरफोर्स में किसी ने नहीं की। वो एकमात्र ऐसे पायलट और भारतीय वायुसेना के अधिकारी है, भारतीय वायुसेना के सैनिक है जिन्होंने परमवीर चक्र पाया। मैं खुद एयरफोर्स में रहूं तो बेटा मैं जहां जहां गया मुझे सेखोन ब्लॉक या निर्मल थिएटर ऐसे सब जगह उन्होंने जो अपना लेवल कायम किया वो बेटा एयरफोर्स वालों के लिए रेस्पेक्टेबल है और आप सबके लिए भी। आप मैं उम्मीद करता हूं आप में से भी भारत माता के ढेर सारे सपूत होंगे जो वो जज्बा रखते हैं जो भारत के लिए जाके लड़े। पायलट बनिए, भारतीय वायुसेना आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है जिनमें से आप फ्लाइंग में जा सकते हैं। आज की डेट में फ्लाइंग ऑफिसर से ही शुरुआत होती है। जो एंट्री है बेटे एक तो एनडीए के थ्रू है और दूसरी सीडीएस के थ्रू है। इन दोनों से आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में क्या बन सकते हैं? पायलट बन सकते हैं। वो जमाना अलग था, आज आप जिन प्लेन्स में उड़ रहे होंगे वो 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होंगे और अलग अलग तरीके की मिसाइल्स वगैरह होंगी। उस जमाने में जो हमारे रडार थे वो भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन जो अच्छा था वो था साहस फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों का जो पाकिस्तान को मार भगाया। उसके दो दिन बाद जब आपके निर्मलजीत सिंह शेखों को 14 दिसंबर 1971 को शहीद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कि 16 दिसंबर 17 दिसंबर को पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो जाता है और 95,000 सैनिक पाकिस्तान के भारत के सामने समर्पण कर देते हैं। ये ऐसे पॉसिबल नहीं था, ये डेफिनेटली निर्मलजीत सिंह शेखों जैसे बहादुर लोगों के साथ ही पॉसिबल था। तो आज ये कहानी यहीं तक थी बेटे। उन्होंने जो अदम्य साहस दिखाया दुश्मन के सामने अपनी जान को परवाह किए बिना भारत के लिए लड़ने के लिए जज्बा रखते हुए जो अदम्य साहस का परिचय दिया उसके लिए बेटा 26 जनवरी 1972 को उनको परमवीर चक्र दिया गया। पीछे छोड़ गए थे अपने भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड अपने पिता को और अपनी बीवी को, लेकिन अपने परिवार का नाम इतिहास में अमर कर गए। यदि वो इतना बड़ा काम नहीं करते तो ना आज आप मुझे सुन रहे होते और ना मैं उनके बारे में आपको बता रहा होता। ठीक है, ऐसे वीरों के बल पे ही भारत देशों में सिरमौर है। मैं चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे यंग मैन यही जज्बा पालें, एनडीए सीडीएस या एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम की तैयारी करें और वर्दी का फायदा उठाएं। याद रहे ये वो जॉब है, बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते हैं बता दूं, आर्म्ड फोर्सेस में जो जॉब है बेटा वो जॉब है जो आपको केवल वर्दी नहीं देता, वर्दी तो देता है, वर्दी के अलावा सम्मान देता है। ठीक है, आप कहीं भी बाहर निकलते हैं, मैं खुद जब इंडियन एयरफोर्स में रहा मैंने जाके बाहर किसी को बताया कि मैं एयरफोर्स में हूं तो आई फाउंड पीपल आर गिविंग ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। ठीक है, वर्दी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, पेमेंट तो बेटा सबको मिलता ही है और साथ में देश और विदेश दोनों जगह घूमने को मिलता है। तो यदि आप में जज्बा है और आप मेडिकली फिट है और दिमाग काम करता है तो आप डेफिनेटली इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, आप भी अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, और भगवान करे कि निर्मलजीत सिंह शेखों जैसे हमारे और भी वीर हमारे साथ हो और हमारे देश का नाम ऊंचा करें। जय हिंद, थैंक यू, दैट्स ऑल।